कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं सुवेश आपका स्वागत करता हूँ JS Private ITI के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जो दोहराने वाले हैं चैप्टर, आप लोग को पता है सेकेंड ईयर में कोर्स ख़त्म हो चुका है और हम लोग अब रिवीजन पे आ गए हैं। रिवीजन इन द सेंस कि हम लोग को थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर दोनों कवर अप करना है ना। तो हमने पहला कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे लगभग 25 से 30 के लगभग, तो उसमें काफ़ी बच्चों ने किया भी है, कई लोगों ने नहीं भी किया। अगर जो सोए हुए हैं वो जाग जाएं, अगर आपको लगता है कि फिर से कॉलेज रीओपन होगा और आपके लिए कॉलेजेस खुलेंगे और फिर क्लास चलेगी और आप पढ़ के फिर से, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप गवर्नमेंट की गाइडलाइन देख रहे हो, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए इतनी क्राइसिस में हम लोग आके हम लोग ये चाह रहे हैं कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो कोर्स तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर भी दोहराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दोहराओगे नहीं, रिवीजन नहीं करोगे, क्योंकि घर पे आप लोग ऐसे एक तरह से हम लोग ऐसा करेंगे, आप देखोगे तो बूस्टअप हो गए, क्योंकि घर से मुझे नहीं लगता कि आप लोग अपने से करोगे, कुछ बच्चों को छोड़ के, ठीक है। तो उसी सीरीज़ में हम लोग यहाँ पर लेके आ रहे हैं। पहला ज्योमेट्री चैप्टर था, उसमें हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन और 74 से शुरू करना है एंड लास्ट जो क्वेश्चन था वो 92 तक था। तो लगभग 20 क्वेश्चन है जो यहाँ पे मैं हल करवाने वाला हूँ। आप लोग को दिया गया था, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उन वे कह रहे थे कि कुछ क्वेश्चन है जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, 20 क्वेश्चन पिछले 5 से 6 ईयर्स में आए हुए हैं। आप देखे होंगे वहाँ पे क्वेश्चन के बाद ईयर लिखा हुआ था किस ईयर में आया है ना। तो ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको कवरअप कर लेना चाहिए, आपको आना चाहिए कि कैसे उसे सॉल्व करना है। तो आइए बिना टाइम लगाए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे था, देखो आप लोग जो हमने PDF भेजी थी उसको एक बार साथ में लेके बैठो, है ना। साथ में लेके बैठोगे तभी आप लोग के लिए आराम रहेगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है, यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हैं तो इनका जोड़ क्या होगा। अब देखिए, पूरक, समपूरक, कोटि पूरक, ये तीन चीज़ें होती हैं ना। तो जहाँ पे कोटि पूरक और पूरक कहता है वहाँ पे दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, ठीक है। जहाँ पे समपूरक कहता है वहाँ पे 90 डिग्री दोनों का जोड़ होता है। तो यहाँ पे पूरक की बात किया है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री जो है सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। मैं सारे क्वेश्चन हल नहीं करवाने वाला हूँ, मैं वही क्वेश्चन हल करवाऊँगा जो मुझे लगेगा कि वास्तव में वो हल करवाने लायक है, ठीक है। क्योंकि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे तो उतना उस हिसाब से टाइम है नहीं, और हर क्वेश्चन को मैं कवर अप जरूर करूँगा, उसको आंसर भी बताऊँगा। लेकिन अब आप ये सोचो, अब इसमें बताने लायक क्या है कि 74 में ये कोटि पूरक क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ें लिखी हुई थ्योरेटिकल हैं, तो इसको आप पढ़ के समझ सकते हो, है ना। चलिए तो अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 करा है, एक समबाहु त्रिभुज में विकर्ण का वर्ग बराबर होता है। समबाहु त्रिकोण है में विकर्ण का वर्ग बराबर होता है, अन्य दो भुजाओं पर वर्गों के जोड़ का वर्गमूल होता है, ठीक है। ये गलत सवाल दिया हुआ है, समबाहु त्रिकोण यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे होगा समबाहु त्रिकोण। लेकिन इसमें अपनी कोई फॉल्ट नहीं है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन कभी कभी गलत भी आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सही कर लेना, मैं थोड़ा सा इस पर पॉइंट आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 75 है, ये बोला है, क्या बोला है, समबाहु त्रिकोण, क्या बोला है, समबाहु त्रिकोण। लैंग्वेज पे हमेशा ध्यान देंगे, त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज। तो अब आप ये बताओ कि समबाहु त्रिकोण रहेगा, इस पे बनने वाला वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर तो हो नहीं सकता, ठीक है। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो ठीक बराबर है, अन्य दोनों भी तो बराबर होती हैं, है ना। तो ये भी नहीं, इसमें चारों ऑप्शन जो है नहीं मिल रहे हैं और ये ऑप्शन भी गलत है। तो उस हिसाब से यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना, ये समबाहु ना होके क्या होगा, समकोण त्रिकोण, समकोण। जैसे ही आप यहाँ पे समकोण करोगे तो समकोण क्या हो जाएगा, ऐसे, ठीक है।
और इसके एक भुजा पे बना हुआ वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने हुए वर्ग के बराबर होता है, और ऑप्शन नंबर वन जो है वो सही हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ याद आ रही है क्या? ये कर्ण होता है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये चीज़ याद आ रही है क्या कि ये कौन सी थ्योरी है? इस पर बना वर्ग इसके वर्ग के बराबर होता है, इसका मतलब k का स्क्वायर इक्वल टू l का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, है ना? ये क्या है? ये है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। तो यही चीज पूछता क्वेश्चन नंबर 75 में, क्वेश्चन ये गलत है, इसे सही कर लेंगे। यहाँ पे होगा समकोण त्रिकोण। अगला है क्या है, वृत्त के खंड का क्षेत्रफल होता है। क्वेश्चन नंबर 76 में कहा है कि वृत्त के खंड का क्षेत्रफल होता है, तो वृत्त के खंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे दो चीज़ ध्यान दें, वृत्त का खंड पूछता है, त्रिज्य खंड पूछता है ना, तो यहाँ वृत्त है और इसका एक खंड, ये हो गया। त्रिज्य खंड कहेगा तब भी यही चीज़ होगा, और एक कहेगा वृत्त खंड तो वो ऐसे। अब इसमें लैंग्वेज समझो आप, ये कह रहा है वृत्त का खंड ये है ना। इस हिसाब से देखो, कई क्वेश्चन होते हैं ना, हम ऑप्शन पे जाके करते हैं, क्योंकि वृत्त खंड का यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे सारे के सारे सूत्र अलग अलग तरीके से त्रिज्य खंड के दिए हुए हैं, तो हम त्रिज्य खंड पे जाएंगे और हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर का स्क्वायर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो कि 77 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है। देखो आप साथ में नोट डाउन करते जाना, क्योंकि अगर इधर ब्लैक बोर्ड फिलअप हो जाता है तो मैं इधर की चीज़ें क्या करूँगा, रब कर दूंगा, है ना। आगे कह रहा है कि एक समकोण का आधार 5 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, कर्ण का पता लगाइए। समकोण का आधार, फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है। समकोण का आधार कितना है? 5 है, ये 12 है, देन k इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे आएंगे। अब ये देखिए k इक्वल टू व्हाट, तो k इक्वल टू ये हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 140, वो जब आप दोनों को कंबाइन करोगे 163 69 हो जाएगा के स्क्वायर, देन के इक्वल टू हो जाएगा 13, क्या हो जाएगा 13, अरे भाई 13 का स्क्वायर होता है ना 169, है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 देखो, 78 में कह रहा है कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी है, एक स्तंभ की 3 मीटर ऊंचाई तक खड़ी हुई है, 5 मीटर लंबी सीढ़ी है, सीढ़ी कितनी लंबी है, इधर भी काम आ जाएगा, मैं चाह रहा हूँ कि मिटाना ना पड़े, है ना, तो सीढ़ी ये हो गई, और सीढ़ी कितनी लंबी है, 5 मीटर लंबी है, और कितनी ऊंचाई तक जा रही है, एक स्तंभ हो गया और ये जा रही है 3 मीटर ऊंचाई तक जा रही है, ओके, 3 मीटर ऊंचाई तक जा रही है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की मान लीजिए हमने x मान लिया, बन क्या रहा है, ये बन रहा है समकोण त्रिभुज। तो अब आप जानते हो कि 5 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ये कर्ण हो गया ना, देन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 इक्वल टू 16, देन एक्स इक्वल टू 4, ओके। अब एक स्टेप और बढ़ा लो भाई, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 16, अब तो समझ में आया, ठीक है, ये देखो तो एक्स इक्वल टू फाइनल आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ओके। अब हम चलते हैं 79 पे, क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है, 79 देखते जाइए, कह रहा है एक वर्ग का विकर्ण डायगोनल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। चित्र बनाना बहुत जरूरी, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है हम चित्र बनाते जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है एक वर्ग का डायगोनल, कोष्टक में लिखा है विकर्ण, तो विकर्ण कितना है, 15 है, कितना है, 15 है, ये हो गया 15 है, तो पूछ रहा है कि इस पूरी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे विकर्ण,
विकर्ण बराबर भुजा कर्णी में दो। ये तो सूत्र याद है ना, सारा का सारा फॉर्मूले का खेल है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 15 इक्वल टू भुजा मान लिया हमने। क्यों भुजा क्यों जरूरी है, भुजा क्यों जरूरी है, भुजा जब पता रहेगा तभी ये क्या कर रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो a बराबर अगर हम भुजा x मानते हैं, है ना, अगर हम x मानते हैं तो a इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो x स्क्वायर, तो इसे ज्ञात करने के लिए हमें भुजा ज्ञात करना जरूरी है। तो x अंडर रूट 2 अब हम लिखेंगे। अब यहाँ पे आप देखो, इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, 7.5 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इक्वल टू x अंडर रूट 2। अरे भाई इसको आप देखो, इसको 7.5 गुणे 2 नहीं लिख सकते क्या, 7.5 दोनों 15 होता है ना, तो यहाँ पे 7.5 गुणे 2 को हमने अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कर दिया। अब देखो क्यों किया, ताकि ये क्या हो जाए, क्रॉस हो सके। जैसे ही क्रॉस हो गया, x की वैल्यू हमें आ गई, x की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू 7.5 इंटू, अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू है अंडर रूट 2 की वो हो जाती है 1.41, ठीक है 414। इन दोनों का आप गुणा करोगे, जब आप इन दोनों का गुणा करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अच्छा नहीं, अभी आपको गुणा नहीं करना ना, आपको तो सीधे सीधे करना था। कोई नहीं, ये थोड़ा जटिल हो जाएगा, इसके जगह आप अंडर रूट 2 ही रख दो, ठीक है, इसे आप क्या करो अंडर रूट 2। एक्स की वैल्यू हमें क्या आ गई, देखो वही चीज़ है, एक्स की वैल्यू हम रख देते हैं 4.7 अंडर रूट 2। हमें जाना कहाँ तक, ए तक जाना है ना, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 7.5 अंडर रूट 2 इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर। अब यहाँ पे करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और 7.5 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 56.25 इंटू, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। और इसको जब आप हल करोगे तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है, 112.5 आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो देखो, इसको हम हटा ही देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। और x की वैल्यू देखो, x है यहाँ से यहाँ कट गया, x की वैल्यू आई क्या, इतना, ठीक है ना, यहाँ पे हमारे x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू जब आ गई, हमें निकालना था a इक्वल टू इस पूरे का स्क्वायर, x का स्क्वायर, देखो यही चीज़ है ना। अब इसको जब हम करते हैं तो यहाँ 7.5 का स्क्वायर जो होगा ये होगा 56.25, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा 2, इन दोनों का आप गुणा करोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा, है ना। दशमलव की चीज़ें हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, उसमें परेशान आप नहीं होंगे। यहाँ पे जो चीज़ है वो स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रही है ना, अगर नहीं समझ में आई होगी आप कमेंट में मुझे करके पूछ सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के बराबर है जिसकी भुजाएं 14.40 मीटर और 10 मीटर हैं, तो वर्ग का परिमाप बताइए। क्वेश्चन नंबर 80, एक वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के बराबर है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, वही तो हमें ज्ञात करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे, ये मान लीजिए एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा किसकी भुजाएं कितना कितना है भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा ना, एल इंटू बी
इक्वल टू 14.4 गुणे 10, दोनों का गुणा कर देंगे तो अब स्क्वायर का जो एरिया आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 144 आ जाएगा। तो पूछ के आ रहा है कि वर्ग का परिमाप, अब ये जब 44 आ गया तो इसी के बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। अब ध्यान दो, जब आपको एरिया ऑफ स्क्वायर मिल गया तो अब भाई परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप होता क्या है यहाँ पर, अब देखिए कैसे कैसे हम चीज़ों को बदलते हैं, हमें क्या क्या जरूरत, परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा होता है, ठीक है। हमें भुजा की जरूरत क्यों पड़ी, या हम क्यों भुजा निकाल रहे हैं, इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जब हम परिमाप, जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है, जब आप परिमाप निकालोगे तो 4 × भुजा होगा ना, तो भुजा की यहाँ पे जरूरत पड़ रही है तो इसलिए हमने निकाला। और जैसे यहाँ भुजा का स्क्वायर होगा तो ये किसका स्क्वायर 144 है, 12 का है ना, 12 का, तो हम यहाँ कर लेते हैं 4 × 12 = 48। आंसर देखो सी 48 मीटर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इधर आना पड़ेगा, तब तक आप उधर का मुझे लगता है आप कर लोगे, है ना। तो अब हम आते हैं इधर, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज में होते हैं, कोई भुजा बराबर नहीं, दो भुजा बराबर, ये तो 5 का भी बच्चा बता देगा भाई जिसे पढ़ाया गया हो, है ना। तो ये तो आप जानते हैं समद्विबाहु मतलब जो दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। उसके बाद बेहतरीन क्वेश्चन, देखिए इसी को कई बच्चों ने कहा था कि सर समझ में नहीं आ रहा है, जबकि मैंने क्लास में इसे बताया है, ठीक है। चलिए तो कोई बात नहीं समझ में आ रहा है तो हम देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। समझिए क्वेश्चन इस तरह से एक चित्र बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 82 है, इस तरह से एक चित्र बना हुआ है, L की वैल्यू पूछ रहा है, क्या कर रहा है, L की वैल्यू जो है ये पूछ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये 56, यहाँ ऐसे करके 56 लिखा है और ये ऐसे और ये ऐसे, और यहाँ से यहाँ की वैल्यू भी दिया हुआ है, मतलब ये जो ऊंचाई है ना इसकी भी वैल्यू दिया हुआ है, और ये वैल्यू है 45, क्या है 45, ये वैल्यू जो है आपका ये क्या है 45 है, ओके। तो अब पूछ रहा है कि ये एल की वैल्यू क्या होगी, अब मैं सवाल अच्छे से समझा देता हूँ। दिया हुआ एक वृत्त, ये एक वृत्त का खंड है, उसमें ऊपरी भाग की लंबाई पूछ रहा है, यहाँ देखो डाया दिया हुआ है, इसका व्यास दिया हुआ है 56 टोटल, ठीक है। ये जो है इसका सेंटर है, ये क्या है इसका सेंटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 45 दिया हुआ है। तो ये 45 दिया हुआ, पूछ रहा है कि L की वैल्यू क्या होगी। अब सोचो L की वैल्यू क्या होगी, कैसे हम निकालेंगे L की वैल्यू। एक चीज़ देखो ये 56 है तो ये कितना होगा, 28 होगा भाई। 56 का मतलब इतना, जितना इधर उतना यहाँ, उतना यहाँ, उतना यहाँ, उतना यहाँ, इधर नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ तक ऐसे चला जाएगा ना, तो इधर नहीं होगा, तो ये 28 होगा, ओके। ये तो 28 हो गया, अब सोचो ये 45 हो गया तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 45 - 28। अब देखो जो चीज़ जितना यहाँ है वही तो यहाँ भी हो जाएगा, ये क्या होगा, ये भी तो 28 हो जाएगा, इसको आप माइनस कर लो 45 में से, तो ये कितना आ गया, 17 आ गया, ओके। अब ये आ गया 17, तो अब देखो यहाँ पे आपको बन रहा है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज जब बन रहा है, अगर आप इसको यक्ष मान के इसकी वैल्यू निकाल लेते हो तो × 2 करोगे तो L की वैल्यू नहीं निकल जाएगी ना। तो अब वही काम अपन को करना है, हम लिखेंगे यहाँ x = √28 का स्क्वायर - 17 का स्क्वायर। जब अब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 784, 28 का स्क्वायर माइनस 289, ओके।
289 इसका स्क्वायर। अब जब दोनों आप करोगे ना तो यक्स की वैल्यू जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 44.49। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गया, इसको जब आप करोगे यहाँ पे तो ये आएगा अंडर रूट में 495, ठीक है 495 आएगा। और इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये आएगा 22.24, ठीक। लेकिन आपने क्या करना है, एल देन एल इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 इंटू 22.24 या एल इक्वल टू, अब ये देखिए 44 हो गया और ये 24 है ना, तो ये 48 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 44.48, ये लगभग, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन ये लगभग 45 के बराबर है ना, तो हम 45 वाले पे क्या करेंगे, टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है उस वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और खंड के अर्क की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। अब ये समझो थोड़ा, ये वृत्त हो गया, ठीक है। अब जो खंड की वो चीज पूछ रहा है वो दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो वो कह रहा है कि जो त्रिज्या है ना वो 14 है, मतलब इधर भी 14 और इधर भी 14, और ये जो है ये क्या है, 28 है ना। तो अब कह रहा है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना है। तो अब सोचो, ध्यान लगा के आप सोचो कि जिस अनुपात में ये पूरे परिधि की का, देखो और कोई है ना कि यहाँ पे हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते है ना, तो दिमाग जरूर लगा सकते हैं कि जिस अनुपात में इस पूरे परिधि का ये अर्क की लंबाई होगी उसी अनुपात में इस पूरे क्षेत्रफल का ये क्या होगा, इस पूरे क्षेत्रफल का ये क्षेत्रफल होगा है ना, वही भाग तो होगा। तो हम देखते हैं पहले कि 14 के हिसाब से इस पूरे की परिधि के कितनी है, इस पूरे की परिधि कितनी है, तो हम देखते हैं परिधि बराबर 2πr, ठीक है, इसे हमने कट किया 88, किस में दिया है सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया सेंटीमीटर। इसका मतलब कि ये जो 28 है ये कितने, किसका है, 88 में से 28 है, ठीक है। तो उसी तरह ये क्षेत्रफल भी जो होगा ये पूरे के पूरे क्षेत्रफल का कितना होगा, इतना होगा। तो अब हम देखते हैं टोटल क्षेत्रफल कितना है, परिधि तो निकाल लिया, अब कुल क्षेत्रफल, कुल वृत्त का क्षेत्रफल है ना, वृत्त का क्षेत्रफल, अब कुल वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई, इसे भी हम लिखते हैं 22/7 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, कट किया 2 आ गया है ना, 88 × 14, तो हमारा आ क्या रहा है, नहीं यहाँ पे आ क्या रहा है, 22 × 28, ओके, ये हमारे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। तो अब आप सोचो, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया है ना, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो होगा, मतलब अब हम यहाँ पे लिखेंगे 28/88 × πr का स्क्वायर इक्वल टू वृत्त खंड का
क्षेत्रफल। अब ध्यान दो, हमारा जो मेन वैल्यू निकलेगा वो ऐसे ही, क्योंकि ये जो 28 है पूरे 88 में से है, है ना, तो वही रेशियो इस पूरे क्षेत्रफल में से भी तो होगा, तो 28 बाई 88 इंटू पाई आर का स्क्वायर, और पाई आर का जो स्क्वायर है उसका उसकी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो कितना हमारा आया है यहाँ पे, अब हम रख देंगे 28 बाई 88 इंटू 22 इंटू 28, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, ये टोटल का टोटल क्या सॉल्व कर दिया जाए, चलो ठीक है सॉल्व कर देते हैं, आप लोग को समझ में नहीं आएगा अच्छे से, है ना। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया 11 2, और यहाँ पे 8, ठीक है 2 और 8। तो अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा साफ सुथरा हम लोग लिख लेते हैं कि A इज इक्वल टू, A क्या है वो वृत्तखंड का आपका क्षेत्रफल, A इज इक्वल टू 28 बाई 8 इंटू 2 इंटू 28, या A इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 और 7 होगा, 4 से अगर करेंगे तो 2 और 7 होगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा, सेंटीमीटर में दिया है ना, तो ये 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये पूरा का पूरा टोटल किस पे था, आपके आईक्यू सिस्टम पे आधारित क्वेश्चन था, यहाँ पे कोई फार्मूला लगने वाला नहीं है, यहाँ पे सीधे सीधे आपको क्या, आपने क्या करना था, चीज़ों को ऑब्जर्व करना था क्या दिया। अब देखो मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये आर्क दिया है ना, तो आर्क गज का जो अनुपात होगा पूरे के पूरे परिमाप से, हम परिमाप निकाल सकते हैं, तो हमने निकाल लिया और हमने देखा कि अनुपात क्या निकला 28/88, तो वही अनुपात तो पूरे के पूरे पाई आर स्क्वायर से भी होगा, तो पाई आर स्क्वायर में 22/88 है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, कहीं कहीं हम वैसे ही रखते हैं तभी आसानी से हम कटा पाएँ, ठीक है, इतना मुझे करना पड़ा इसलिए ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। मैं ये चाहता हूँ कि जो आपको वीडियो लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है उसमें आपको कुछ क्वेरी ना करनी पड़े, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर हमसे पूछिए, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 3, 4 और 5 है। अब देखो यहाँ पे 3, 4 और 5 है, जब किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो तो क्या कौन सा त्रिभुज होता है, वो विषमभाव त्रिभुज होता है ना। तो इसका जो निकालने का फार्मूला है वो होता है a s s माइनस a s माइनस b s माइनस c। अब पहले s ज्ञात कर लें, s इज इक्वल टू 3 + 4 + 5/2, तो ये आ जाएगा 6। देन a इज इक्वल टू अंडर रूट, अब देखो यहाँ आप रखते जाओ 6 और 6 माइनस a तो इंटू 3, फिर 2, फिर 1 आएगा। देखो a घटाया तो 3 आया, b घटाया तो 2 आया, और c घटाया तो कितना आया, 1 आया। अब a इज इक्वल टू आ कितना जाएगा अंडर रूट 36 इक्वल टू 6, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे, ठीक है, क्या किस पे, 85 पे। क्वेश्चन साथ में आप मिलाते जाना तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 85 आपका दिया हुआ है, मिला लीजिए, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज कैसे होता है ऐसे, ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 3/5 है, मतलब बड़ी भुजा अगर 5x है तो छोटी भुजा 3x होगी, यही दो समांतर भुजाएं होती हैं,
हो गया। उसके बाद इनके बीच की लंब दूरी, मतलब ये कितना है, 12 है, ये क्या है, 12 है। तो कह रहा है कि समांतर भुजा की सबसे छोटी, मतलब इन दोनों में छोटी वाली भुजा क्या होगी। अब देखिए दिया है ए, हम जानते हैं ए प्लस बी अपॉन टू इंटू एच होता है ना, ठीक है। और ए दिया है 384 इक्वल टू, ए को हमने मान लिया 3x, बी को मान लिया 5x अपॉन टू कर दिया इंटू 12 कह दिया, ठीक है। अब ये चीज़ें कैसे बदलेंगी, ये देखो यहाँ पे हो जाएगा 8x, यहाँ पे होगा 384 इंटू 2 अपॉन 12, ठीक है। या x इक्वल टू, आप यहाँ पे क्या करोगे, x इक्वल टू 384 इंटू 2 अपॉन 8 इंटू 12, ठीक है। अब इसको जब आप हल करोगे ना, जब आप इसको हल करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, टोटल हल करने के बाद आपका आएगा 8, ठीक है। इसको हल कर लेना आप, हल करने के बाद आपका टोटल क्या आएगा, 8 आएगा। अब 8 जब आ गया तो सब छोटी भुजा आप देखो 3x 5x, इतना आप हल कर लेना, 3x इक्वल टू क्या आएगा, 8 इंटू 3 24 आ जाएगा। ये हल कर दूं क्या मैं, चलो 6 हो गया, ठीक है 6 हो गया। अब 6 का इसमें करते हैं अपन, तो क्या होगा, 6 बार, ठीक है 6 बार हो गया, और फिर 8 बार, नहीं 4, ठीक है ये आया। तो अब 6 भी कट गया, 6 भी कट गया, अब 64 आ गया। अब 8 का इसमें करोगे आप डिवाइड, तो कितना आएगा, 8 आएगा ना, तो वही मैं कह रहा था कि 8 आएगा और इसमें गुणा कर लेंगे 24, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो आपका जो आंसर आया है वो क्या है, ये है ना, ये आपका आंसर हो गया। फिर 85 के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 85 हो गया, उसके बाद देखो 86 में कह रहा है कौन सा डायग्राम भुजा ए बी के साथ ए बी सी समबाहु त्रिभुज का सही रचनात्मक चित्र है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा, ये साफ साफ दिख रहा है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये रचनात्मक सही विधि जो प्रस्तुत करता है वो यही है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। 87 में देखते हैं, कह रहा है कोण ए बी सी का द्विभाजक का रचना जैसा नीचे डायग्राम में दिखाया गया है, कौन सा कथन सही है। तो जाहिर सी बात है कोण ई बी एफ इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर सी, कोण एंगल ई बी एफ इक्वल टू कोण ए बी सी। देखो एक दूसरे जब समद्विभाजक कर रहा है तो एक दूसरे के बराबर ही तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कर रहा है एक वृत्त की परिधि को मापा जाता है किससे, 2πr से। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2πr से मापते हैं। उसके बाद 89 कह रहा है कि ए बी सी में एक समकोण त्रिभुज में कर्ण निम्न के बराबर होगा, तो उसे आप बनाओगे, ऑप्शन नंबर डी आपको मिलेगा, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। 90 क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त के क्षेत्रफल को मापा जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर। 91 जो है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बी इंटू एच अपॉन टू, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बताया गया है ना, तो वही हो जाएगा बी इंटू एच अपॉन टू, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और लास्ट है 92, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो 8 सेंटीमीटर 92 वाला आप देखिए, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो अंडर रूट 3/a का स्क्वायर, तो अंडर रूट 3/4, इसमें भुजा कितनी है, 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब आप करोगे तो कर्णी में 3 का मान 1.732 /
यहाँ पे 64 हो जाएगा या 4 से आप करोगे तो यहाँ पे आएगा 2 × 8, ठीक है, और इन दोनों को हल करोगे जब आप तो ये आ जाएगा आपका 27.7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके टोटल के टोटल 20 क्वेश्चन जो होते हैं हमने कंप्लीट करा दिए हैं यहाँ पे। मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन फिर भी है तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे ज़रूर पर्सनल मैसेज करना, मैं आपको पूरी चीज़ बताऊँगा। अगर नहीं समझ में आता है तो फ़ोन करिए, ठीक है। साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और लाइक करना तो बनता है यार, क्योंकि हम लोग इतना क्राइसिस में आके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ना, तो ये तो ज़रूरी है कि आप लाइक भी करो, साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।